हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव कोर्स चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे आज का मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, 20 जुलाई 2020 का मोस्ट मोस्ट करंट अफेयर। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरू करते हैं आपका बेहतरीन करंट अफेयर। ठीक है बच्चा, चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले कुछ दिन में पढ़ाया था आपको यूएई यानी फास्ट अरब नेशन, है कि नहीं? यूएई फास्ट अरब नेशन, जिन्होंने मार्स के लिए फास्ट स्पेस मिशन जापान के थ्रू में वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, फास्ट स्पेस मिशन टाइटल होप टू प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर ऑफ मार्सियन एटमोसफियर स्टडिंग डेली एंड सीजनल चार्जेस। मतलब जो मार्स में जो एटमोसफियर है उसको डेली अपडेट्स लेने के लिए यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट ने जापान थ्रू जापान की मदद से यानी जापान का जो टेंगिसीमा स्पेस सेंटर है उनके मदद से यानी उनके जो जापान का जो रॉकेट है H2A रॉकेट फ्रॉम जापान टेनिंग गैसीमा स्पेस सेंटर के मदद से इन्होंने मार्स के लिए फास्ट स्पेस मिशन लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, टाइटल इन्होंने दिया है होप। ओके बच्चा, एक्सपेक्टेड एंटर मार्स ऑन फेब्रुवरी 2021, मेकिंग 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द यूएई यानी यूएई का 50th एनिवर्सरी, यूएई का 50th एनिवर्सरी कंट्री का फेब्रुवरी 2021 में होगा। तो इन्होंने उसी टाइम से इन्होंने फास्ट स्पेस मिशन मार्स के लिए लॉन्च करेंगे। किसके मदद से, जापान H2A रॉकेट फ्रॉम जापान्स टेंगिसामा स्पेस सेंटर की मदद से फॉर ए 7 मंथ जर्नी। ठीक है बच्चा, अगर आप लॉन्च करेंगे तो 7 महीने के बाद और पहुंच जाएंगे। होप विल ट्रैक्ड बाय मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर इन दुबई। मतलब दुबई का जो हमारे जैसे यहाँ पे इसरो, वहाँ पे मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर और जापान के टेनिगेसिमा स्पेस सेंटर। ठीक है बच्चा, समझ में आया। नेक्स्ट आता है सैम श्रीनिवासन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। ठीक है, ये है सैम श्रीनिवासन। ठीक है, ये रीअपॉइंटमेंट मतलब पहले थे, अभी फेडरल बैंक का दोबारा CEO एंड MD बना है। ठीक है, हिज टर्म एक्सटेंडेड टिल सितंबर 2020 टू 2021, तो एंड ऑफ सितंबर 2020। मतलब पहला ये टर्म एंड हुआ, उसके बाद उनका एक्सटेंडेड किया गया। ठीक है बच्चा, टू चार्ज मतलब पहले जो पहली बार जो इन्होंने अपॉइंटमेंट हुआ था 2010 में इन्होंने श्याम जी अपॉइंटमेंट हुए थे, अभी दोबारा मैंने उनका टर्म सितंबर 22 2021 तक एक्सटेंड किया है। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कोच्चि केरला में है। ठीक है, एक प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। किसने अप्रूव दिया, RBI ने। ठीक है बच्चा, खत्म। आज है वर्ल्ड चेस डे, है कि नहीं? 20 जुलाई है वर्ल्ड चेस डे, आ प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशन। मतलब आज ही पालन हुआ है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहाँ पे है, पेरिस में। कब गठित हुआ, 1924 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी पेरिस में। ओके बच्चा, तो ये चेस फॉर रिकवरिंग बेटर, आई थिंक इट विल बी द थीम ऑफ द वर्ल्ड चेस डे। प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल डे ऑफ FID यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है, अर्काडी डोबरकिच। ठीक है, डोबरकोविच, ठीक, इन्होंने हेड है, उनका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। ओके बच्चा, यूपी गवर्नमेंट ने एक नवीन रोजगार छात्री योजना लॉन्च किया है, ताकि जो ये इस स्कीम के वजह से आपका जो शेड्यूल कास्ट है, जिन्होंने शेड्यूल कास्ट के अंडर जाते हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए। तो क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू 7 पॉइंट करीबन 8 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंट के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट शेड्यूल कास्ट फैमिली को कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। उसके बाद करीबन 18 करोड़ बींग ट्रांसफर ऑनलाइन टू इतना यानी 3484 पीपुल पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना को, मतलब 3484 पीपुल को इतना रुपया करीबन 80 करोड़ रुपीज मिलेंगे। कितने लोगों को, 3484 पीपुल को, किस स्कीम के जरिए में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के जरिए में इतने लोगों को इतना पैसा मिलेंगे। ठीक
ठीक है बच्चा। और जो नवीन रोजगार छत्री योजना, ये डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट को लोगों को दिया जाएगा, ठीक है बच्चा। काम खत्म। छोटा छोटा करंट अफेयर है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा मिसाइल, छोटा पैकेट बड़ा मिसाइल, ठीक है बच्चा। वीडियो को शेयर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पाकिस्तान एंड चाइना साइंड एग्रीमेंट फॉर आजाद पाटन हाइड्रल हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये एक पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये देखो ये वाला, ये पावर प्रोजेक्ट के लिए कहाँ पे बनते हैं, पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के सुद्धती डिस्ट्रिक्ट है, सुद्धती डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे पड़ते हैं। चाइना एंड पाकिस्तान दोनों मिलके साइन किया है, ठीक है। कितना, करीबन 1.5 बिलियन डॉलर। ये 707 मेगावाट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, झेलम रिवर के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये कब कंप्लीट हुआ पावर प्रोजेक्ट है, 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। चीपर एंड ग्रीन पावर व्हाइल जनरेटिंग लोकल जॉब अपॉर्चुनिटी, जो पीओके में जो लोकल जॉब है उनका अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, और थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ सब कुछ मौजूद हो जाएगा, है बच्चा। प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन इन एम्स दिल्ली, हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हर्षवर्धन, आज लॉन्च्ड प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन एट एम्स दिल्ली। द कैंपेन इनिशिएटिव फॉर दिल्ली पुलिस, वेयर 26 पुलिस पर्सनल हु हैड रिकवर्ड फ्रॉम कोविड वॉलेंटरी डोनेट देयर प्लाज्मा। जो पहले कोविड पेशेंट थे, जब रिकवरी मतलब जो जो पेशेंट रिकवर होते थे उनका, इन्होंने प्लाज्मा डोनेट करेंगे, तो उसी के वजह से जो अभी एक्टिव केस है, मतलब जो एक्टिव पेशेंट है, उनको जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं जो रिकवरी पेशेंट है वो जाके प्लाज्मा डोनेट करिए, ठीक है। तो एनकरेज द पीपल कम फॉरवर्ड टू डोनेट प्लाज्मा यूज फॉर कोविड-19 पेशेंट, उनका ट्रीटमेंट के लिए, जो रिकवर पेशेंट का प्लाज्मा जो ट्रीटमेंट पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा, ठीक है बच्चा। देखो प्लाज्मा क्यों यूज होगा, देखो रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट कंटेंस प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज एंड कैन प्रोवाइड इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट कोविड-19। मतलब प्लाज्मा अगर डोनेट करेंगे, जो जो रिकवर हो जाता है उनका क्या इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, तो इनका जो प्लाज्मा जो एक्टिव केस है नाउ प्रेजेंटली जो इन पेशेंट एक्टिव केस है, तो इनका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो रिकवरी का प्लाज्मा होता है वही प्लाज्मा एक्टिव पेशेंट का प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगे, ताकि उनका इम्यूनिटी बूस्ट होने के साथ साथ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ को प्रोटेक्टिव करेंगे, ताकि कोविड-19 हट जाएंगे इनके से, ठीक है बच्चा। ख़त्म। बड़ी अच्छा तरीके से समझाता हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना बच्चा। नेक्स्ट आता है वीडियो नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है बच्चा। इतना अच्छा बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, बेहतरीन कंटेंट भी है, तो आप देख लेना। रोज की तरह करंट अफेयर चल रहा है। नेक्स्ट आता है थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर मीट, ठीक है। ये कहां पर है ना, सऊदी अरेबियन प्रेसिडेंट कंडक्टेड, ठीक है। जो सऊदी अरब कंट्री है, इन्होंने थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर जो मीटिंग है G20 फाइनेंस, इन्होंने कंडक्ट किया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। इंडिया एज रिप्रेजेंटेड निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द मीट फोकस द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इवॉल्विंग कोविड-19 पैंडेमिक क्राइसिस विथ अदर G20 फाइनेंशियल ट्रैक प्रायोरिटीज ऑफ द ईयर। इसी सब्जेक्ट में ये सब चीज चर्चा हुए होंगे, ठीक है। 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन G20 के अंदर आते है कि नहीं। नेक्स्ट आता है आपका रजत मुखर्जी, वो फिल्म मेकर है, वो हमारे बीच में अभी नहीं रहे, उनका आत्मा को शांति दे, RIP रजत मुखर्जी जी। ये किडनी रिलेटेड इशू में से उनका देहांत हो गया। इनका मतलब फेमस पिक्चर लव इन नेपाल 2004 में, विवेक ओबराय एंड अंतरा मेल स्टार्टेड रोड, और क्या क्या प्यार तूने क्या किया, ये सब कुछ इनका फेमस सीरीज है, क्राइम ड्रामा सीरीज इश्क किल्स,
ठीक है, वेब सीरीज भी बनाए रहे थे, और लास्ट डायरेक्टर मूवी उम्मीद, इनका लास्ट डायरेक्टर मूवी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट आता है जर्मनी फुटबॉलर एंड्रे स्कॉरेल अनाउंसेस रिटायरमेंट। ठीक है बच्चा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए मतलब बेहतरीन इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ आप पूरा क्लास पूरा वीडियो को देख लेना, हो सकता है तो नोट भी कर लेना, प्रैक्टिस भी कर लेना, नहीं तो सब सब क्वेश्चन इधर फंसेगा। एंड्रेस करेल 29 ईयर्स, हज अनाउंसमेंट, ये जर्मनी फुटबॉलर है। ठीक है, 2000 फीफा वर्ल्ड कप जर्मनी ने जीता था, तो इनके हेल्प की वजह से। ठीक है, इन्होंने 57 के मैचेस में 22 गोल किया है, कैरियर मेंस 2009 में कैरियर इनका हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ चीज़। सीपेट एक्रेडिटेड फॉर पीपीई किट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन बाय एनएबीएल। देखो एनएबीएल क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। ठीक है, इन्होंने सीपेट को, यानी सीपेट कहाँ पे, भुवनेश्वर में, कि ये जो पीपीई किट है उनका टेस्टिंग के लिए इन्होंने अप्रूव कर दिया। किसने, एनएबीएल ने, यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, इन्होंने टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पे पीपीई किट। तो किट कंप्राइज ग्लोव्स, किट में क्या क्या होगा आपका, ग्लोव्स होगा, कोवरल होगा, फेस शील्ड होगा, गूगल्स गॉगल्स होगा, ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क भी होगा। तो किसने बनाएंगे, सीपेट ने बनाएंगे। सीपेट कहाँ पे है, हाँ उड़ीसा का राजधानी बीबीएसआर है, बीबीएसआर में है। किसने अप्रूवल दिया, एनएबीएल ने सीपेट को अप्रूवल दिया, ताकि पीपीई जो किट है कोरोना कोरोना कोविड-19 का जो पीपीई किट है उनको डेवलपमेंट मतलब टेस्टिंग के लिए इन्होंने अप्रूव कर दिया। ठीक है बच्चा, सीपेट हैज टेकिंग अ रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव हेल्थ केयर एज पर हु एंड आईएसओ गाइडलाइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्स दिल्ली स्टार्टेड वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम EICU। ठीक है, EICU क्या है, स्ट्रेंथन इफोर्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग कोविड-19 मोर्टेलिटी। इसके वजह से आपका जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाएंगे, कोविड-19 का मोर्टेलिटी रेट। डिस्कशन अमंग डॉक्टर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट, फिजिशियन कैन क्वारीज प्रेजेंट देयर एक्सपीरियंस एम्स शेयर नॉलेज अदर फिजिशियन एक्सपर्ट। मतलब जो कोविड-19 पेशेंट है तो कैसे मतलब उनका ट्रीट किया जाता है, कैसे मतलब मतलब उनका फीडबैक भी इन्होंने शेयर कर पाएंगे, ताकि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या होने से बेहतर हो जाएगा, वो सब कुछ EICU की वजह से, एक वीडियो कंसल्टेंट के प्रोग्राम की वजह से वो शेयर भी कर पाएंगे। 43 बिग हॉस्पिटल इन 11 स्टेट हैव बीन कवर्ड मल्टीपल 2 आवर सेशन, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट आता है CSIR और सेमरी रोल्स आउट कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर वर्कप्लेस। ठीक है, CSIR आपको पता है, दुर्गापुर अनविल्ड कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर वर्कप्लेस। सोलर बेस्ड इंटेलिजेंस मास्क, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिटी कम थर्मल स्कैनर टू आइडेंटिफाई बॉडी टेम्परेचर, फेस मास्क, ये सब कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली, ये है प्रोटेक्शन सिस्टम, कोविड-19 प्रोटेक्शन सिस्टम है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर जाएगा आपका जो कोविड है कि नहीं। किसने बनाया है, CMERI। ठीक है, CMERI क्या है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो CSIR के अंदर में जाता है। तो इन्होंने इस मशीन डेवलप किया है ताकि ऑटोमेटिक डिटेक्टेड हो जाएगा, ये कहाँ पे, दुर्गापुर बंगाल वेस्ट बंगाल में। तो डेवलप डिजिटल एंट्री मैनेजमेंट व्हिच वर्क फ्लो विल ऑटोमेटेड यूजिंग AI एंड IoT। ठीक है बच्चा, तो वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है बच्चा, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। थैंक यू बच्चा, हमारे प्रीवियस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू बच्चा।